नमस्ते दोस्तों, मार्बल फ्लोरिंग जितेंद्र शर्मा में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज के वीडियो में आपको जो ये एक तो सोफा सेट बताऊंगा कि सोफा सेट में कितना खर्चा आया एक प्लेट का, तो इससे आप आइडिया ले सकते हैं। और ये देखिए टीवी कैबिनेट, और ये टीवी कैबिनेट बनाने में कितना खर्चा आया है, और अंदर बेड है, और ये किचन। अगर आप एक फ्लैट में ये फर्नीचर का काम करवाते हैं तो टोटल कितना खर्चा आता है। तो हमारे साथ में है रिंकू। नमस्ते रिंकू। तो ये देखिए दोस्तों, ये सोफा जो है ये घर पे ही बनाया है। तो ये सोफा कितने में पड़ा है घर पे? ये 55,000 रुपये। अगर दोस्तों देखिए, आप ब्रांडेड लकड़ी यूज़ करते हैं तो, और कुशन भी अच्छा लेते हैं, ये कपड़ा अपड़ा सब अच्छा लेते हैं, तो इसमें 52,000 रुपये का खर्चा आता है। ये 7 सीटर है, 2 सीटी भी आ गई, ठीक है, इसका 52,000। और ये 8x8 का, इसको बनाने में कितना खर्चा आया? 32,500 रुपये खर्चा आया, ठीक है। अब चलते हैं एक और, ये किचन, किचन का फर्नीचर बनाने में कितना खर्चा आया? किचन का फर्नीचर बनाने में 2.5 लाख रुपये। 2.5 लाख में देखिए दोस्तों, एक ये हुआ, एक ये पूरा हो गया, और एक ये, और ये पूरा फर्नीचर बनाने में 2.25 लाख रुपये हो गए, ठीक है। अब एक बेडरूम में ले जाता हूँ, बेडरूम का भी आपको आइडिया देता हूँ। जैसे तो रिंकू, ये जो बेड देख रहे हैं, ये बेड आपने यही बनाया साइड पे, तो इसका कितना खर्चा आया? ये इसका 32,000 रुपये खर्चा आया, लेबर मटेरियल सब आ गया ना। और सामने वो ड्रेसिंग देख रहे हैं, उसका 15,000 रुपये का खर्चा आया, ठीक है। और ये जो वार्डरोब देख रहे हैं पूरा, इसका ये पूरा 1 लाख रुपये का खर्चा आया, हाँ, तो 1 लाख रुपये का खर्चा आया, ठीक है। और अब चलते हैं, देखिए एक एक रूम और है, ये 3 BHK है। और ये बेड जो बनाया है, इसका कितना खर्चा आया? इसका भी 32,000 रुपये है। 32,000 में ये साइड वाले भी आ गए ना? आ गया, साइड वाले, साइड वाले भी आ गए, ठीक है। एक साइड आ गया उसका, हाँ, एक साइड नहीं है, तो लगभग 32,000 का खर्चा आया है। और चलिए, आप अगर दोस्तों आप फर्नीचर का खर्चा करवाते हैं, इसमें बनाते हैं, तो कितना खर्चा आता है, यही मेरे बनाने का वीडियो आपसे जानकारी दे रहा हूँ मैं। तो एक जो ये देख रहे हैं, ठीक है, एक खोली इसको, ये स्पेस सेविंग है, प्रेस करने के लिए लगाया हुआ, ठीक है। इसका कितना खर्चा है? इसका 2,500 रुपये, ठीक है। और ये स्टडी टेबल है जो, ये 15,000 रुपये इसका खर्चा है, विद मेटेरियल सब आ गया ना। और एक ये जो बना रहे हैं, ये बॉक्स, ये 7,000 रुपये का, थोड़ा पुराना था, हाँ पुराना, अच्छा पुराना लकड़ी यूज किया इसमें, तो दोस्तों देखिए, अगर एक फ्लैट में अपन काम करवाते हैं तो ये खर्चा आता है। ये है रिंकू जो उदयपुर में काम करता है। अगर आपको किसी प्रकार की रिक्वायरमेंट है तो आप इनसे कांटेक्ट करके, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दूंगा, खाली उदयपुर में आप ये करवा सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये पूरा फर्नीचर करवाया है, क्योंकि फर्नीचर में आप और चाहे तो बहुत सारा फर्नीचर करवा सकते हैं। लेकिन एक डोर की और आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ रिंकू, अगर ये डोर या साइड पर बनाते हो तो डोर का कितना खर्चा आ जाता है? लगभग 8,000 रुपये का पड़ता है एक डोर, 8,000 का पड़ता है, नहीं बनाए, यही बनाया, तो 8,000 रुपये का यह पूरा माइक, दोनों साइड माइक लगती है, हाँ, अच्छा अंदर बार सेम माइक लगती है, हाँ हाँ। तो देखिए दोस्तों, ये थे रिंकू जी ने जानकारी दी, और यहाँ से देखिए बहुत ही अच्छा ये टीवी कैबिनेट दिख रहा है, और ये पुराना फर्नीचर है, हाँ ये पूरा पुराना फर्नीचर है। अब ये इसके सामने ये थोड़ा फीका दिख रहा है, तो इसको भी हो सकेगा चेंज करना पड़ेगा ये पूरा। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।